नमस्कार, इसी दिन लाइव शिविर आपको आरकेएसटी कॉलेज की दिखाई जा रही है कैथल शहर की, जहां पर आपको बता दें कि कल यानी 4 जून को मतगणना होने वाली है, आपकी गिनी हुई वोटों की गिनती होने वाली है। सीधी लाइव तस्वीरें फिलहाल से आपको आरकेएसटी कॉलेज की दिखाई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि यहां कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से आप देखेंगे पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा का पूरा चुनाव का परिणाम आप देखोगे। इसके साथ साथ कैथल की 4 विधानसभा का परिणाम भी आप कैथल ब्रेकिंग टीवी पर सीधी लाइव तस्वीरें कला देखने पाओगे, यानी कि 4 जून न देखने पाओगे। अगर बात करें आरकेएसटी कॉलेज की, तो यहां पर पुलिस प्रशासन या सुरक्षा बल की बात कर दो फुल, मतलब कहते नहीं कोई भी कमी छोड़ रखी, ट्रैफिक पुलिस हो या पुलिस अधिकारी हो, बड़े आले अधिकारी आप देख सकते हो, बड़े बड़े आले अधिकारी स्टेप पे आरकेएसटी कॉलेज में पहुंचने लग रहे हैं। यदि प्रशासन की बात करा तो प्रशासन भी पूरा पुख्ता इंतजाम, में कहूंगा भाई बलिंदर जी, पूरा पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जा चुके हैं। डीसी मौके पर मौजूद है, और यदि बात करा तो मतगणना यहाँ पर कल को मतगणना होगी, और यदि बात करा तो 67% यदि लगभग 67% वोटिंग हुई थी, और यदि कुल वोटर की बात करा, यदि मतगणना यदि बात करा तो 807 मतगणना केंद्र बनाए गए थे, 807 मतदान केंद्र, 807 मतदान केंद्र बनाए गए थे जी बलिंदर जी। और कैथल की बात करें तो 807 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 8,19,284 कुल वोटर थे, जिसमें 18,922 युवा भी आपने ज्यादा वोटर डाल चुके हैं। और कल ना आरकेएसटी कॉलेज की बात करें तो 4 विधान कैथल की 4 विधानसभा क्षेत्र में मतों की गणना के लिए प्रत्यक्ष हॉल में लगाई गई 14 टेबल लगाई गई है, और कैथल विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना की आरकेएसटी स्कूल में होगी, और कल्याट विधानसभा क्षेत्र की मतों की गणना की बात करें तो आरकेएसटी कॉलेज में होगी, जिसमें आप इस टाइम फिलहाल लाइव तस्वीरें दिखाने लग रहे हैं। अगर पुंडरी व गुना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इनकी मतगणना आईजी कॉलेज में होगी, अलग अलग हॉल बनाए गए हैं, 15 राउंड में होगी। कैथल विधानसभा के मतों की गणना की बात करें तो 16 राउंड में, पुंडरी विधानसभा के मतों की बात करें तो 14 राउंड में पूरी होगी। तो खबर ना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो, लाइक करियो, कमेंट करियो, और कल ना भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कई दिन आता मैं कहूंगा ना कहना चाहूंगा गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। आपने कैथल ब्रेकिंग टीवी था पल पल की जानकारी देगा, कैथल ब्रेकिंग टीवी ने लाइक करियो, फॉलो करियो, सब्सक्राइब कर लियो, और पल पल की जानकारी यदि आपने इलेक्शन की लेनी है तो कैथल ब्रेकिंग टीवी का जरूर भाई 8 बजे स्टार्टिंग हो जाएगी मतगणना, और 8 बजे तक कैथल ब्रेकिंग टीवी चालू कर दियो देखना, 8 बजे तक लेकर भाई जब तक भाई इलेक्शन की पल पल की अपडेट कैथल ब्रेकिंग टीवी पर आपको दी जाएगी जी बलिंदर। और यह बात नहीं है कि कैथल की विधानसभा की आपने वोटिंग की गिनती दिखाई जाएगी, कैथल ब्रेकिंग टीवी का माध्यम आप हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटा की मतगणना की आप डिटेल ले सको और लाइव देख सको। फिलहाल आप देख सको पुलिस प्रशासन की बात करें, सुरक्षा बल की बात करें तो डीसी मोदी साहब यहाँ पर पहुंचे हुए, आप सुरक्षा बल की बात करें तो आप देख सको, मतलब की अच्छा जी बात करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में कुल वोटर आगे 17,94,300 वोटर आपने बताया, 12,02,401 ने वोट डाले हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में। फिलहाल तो आप आरकेएसटी कॉलेज का बिल्कुल सामने आ जहां पर कल यानी 4 जून ने मतगणना और जान लग रही है, और आप सुरक्षा बल की बात कर आप देख सको लाइव तस्वीरें फिलहाल सीधे आरकेएसटी कॉलेज की दिखाने लग रहा है। बलिंदर जी पिछली बार अपने सांसद नायब सिंह सैनी थे, एक बार नायब सिंह सैनी की भी जानकारी जरूर दे दीजिए, क्योंकि कितने वोटा थे नायब सिंह सैनी जीते थे, और यदि बात करा तो टक्कर किसके साथ पिछली बार रही थी? अगर टक्कर की बात करा नायब सैनी की बात करो तो 6,88,588 वोट मिले थे, वह विजय हुए थे आपने बताया जा, और कांग्रेस के निर्मल सिंह 3,03,722 वोट मिले थे, जिसमें वो दूसरा नंबर पर रहे थे। फिलहाल तो लाइव तस्वीरें आरकेएसटी कॉलेज के सामने की दिखाने लग रहा, कल न यानी 4 जून ने मतगणना और जान लग रही, जिसमें सुरक्षा बल की बात करा या फिर ट्रैफिक पुलिस की बात करा सारे सहयोग करने लग रहे हैं, जैसे मतदान हुआ था ऐसे ही मतगणना होगी शांतिपूर्वक। फिलहाल है आपने कैथल की 4 की 4 विधानसभा की पूरी डिटेल कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से दिखावेंगे, और कैथल की 4 नहीं बल्कि पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा की सारी विधानसभा की आपने तो कुरुक्षेत्र की पूरी 9 की 9 विधानसभा की फिलहाल था आपने काउंटिंग कैथल ब्रेकिंग टीवी का माध्यम से देख सकोगे आप। यदि बात करें कैथल में आरकेएसडी स्कूल, आरकेएसडी कॉलेज और भाई आईजी कॉलेज में मतगणना होगी, लाइव देख सको आप कैथल ब्रेकिंग टीवी लाइक कर लियो, सवेरी 8 बजे में मतगणना स्टार्ट हो जाएगी, और सवेरी 8 बजे ही लाइव दिखाया जाएगा, राउंड टू राउंड की बात करांगे सब कुछ दिखाया जाएगा। यदि बात करा भाई पल पल की जानकारी कैथल ब्रेकिंग टीवी पर आपको दी जाएगी, और प्रशासन की बात करा तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं,
डीसी मौके पर डीसी भी मौजूद है भाई और बातचीत करने लग रहे हैं और मैं कहूँ पुख्ता इंतजाम यहाँ पर प्रशासन द्वारा देखने को मिलेगा। अच्छा जी सुरेंद्र जी बताना था कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 विधानसभा मिला था अपना जाने कुरुक्षेत्र में थानेसर शाहबाद पे में लाडवा कैथल में खुद कैथल लोकसभा गोला पुंडरी किलात और यमुना नगर में रादौड़ जैसी सीटा पर कल मतगणना और जान लगे कैथल ब्रेकिंग टीवी का माध्यम था भैया सारी लाइव मतगणना देख सको और कैथल कुरुक्षेत्र लोकसभा की नहीं बल्कि 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटा का परिणाम आप कैथल ब्रेकिंग टीवी का माध्यम था देख सको। फिलहाल था आरकेएसटी कॉलेज की ये लाइव तस्वीरें फिलहाल था अपना दिखाने लग रहा। अच्छा जैसे ही मतदान शांतिपूर्वक हुआ था ऐसे ही मतगणना भी शांतिपूर्वक हुई होगी। सुरक्षा की मद्देनजर देखते हुए पूरा पुलिस प्रशासन इस टाइम पूरे मतलब ला लो ट्रैफिक पुलिस प्रशासन हो या खुद पुलिस प्रशासन हो तो फिलहाल था वीडियो ने अलग अलग शेयर करते रहो कमेंट करते रहो आपकी क्या राय है। कत्थल की यदि बात करा तो 16 राउंड आया भाई मतगणना करी जाएगी और पुंडरी विधानसभा की 14 राउंड आया मतगणना करी जाएगी भाई। अगर गुलाबा किलियात विधानसभा के मता की गणना की बात करें तो 15-15 राउंड में होगी। कैथल विधानसभा मतों की गणना 16 राउंड में होगी। पुंडरी विधानसभा की मतों की गणना 14 राउंड में होगी। फिलहाल वीडियो ने अलग शेयर करते रहो कमेंट करते रहो भाई और कैथल ब्रेकिंग टीवी तो आप गला जोड़ रहे हो ताकि अपना हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट का पूरा निचोड़ कल्ला निचोड़ 4 जून ना निचोड़ दिखा देंगे लाइव तस्वीरें दिखाओगे। फिलहाल तो आरकेएसटी कॉलेज की है लाइव तस्वीरें फिलहाल अपने कैथल ब्रेकिंग टीवी अगर बलिंदर जी एक बार दोबारा से बता दीजिए जो पिछला चुनाव हुआ था नायब सिंह सैनी जिसमें सांसद बने थे उसका परिणाम 2019 की तो नायब सैनी ने 6,88,588 वोट मिले थे जिसमें कांग्रेस के निर्मल सिंह 3,03,722 वोट है दूसरा नंबर पर रहे थे। फिलहाल तय 2019 का आंकड़ा फिलहाल बताने लग रहे हैं और 4 जून यानी कि कल है क्या आंकड़ा होगा वो सारी आंकड़ा अपने कैथल ब्रेकिंग टीवी का माध्यम से दिखाओगे। कैथल की 4 विधानसभा की तो रही बात और साथ में पूरा कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 की 9 विधानसभा की लाइव अपना कैथल ब्रेकिंग टीवी का माध्यम से मतगणना दिखाई जाएगी। फिलहाल आरकेएसटी कॉलेज की लाइव फिलहाल तस्वीरें दिखाने लग रहे हैं अपने तो प्रशासन द्वारा मैं कहूंगा पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिलेंगे प्रशासन द्वारा। और यदि आप भी भाई अंदर जाने के लिए फोन नहीं ले जा सकते आप यदि अंदर थर पर कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो आप फोन ले जा सकते हैं वरना कोई भी यहां पर फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और यदि बात करें प्रशासन द्वारा यहां पर पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएंगे। बाहर भी ज्यादा मैं कहूंगा ज्यादा भीड़ ना करें यहां पर आकर के ना बाहर अपने घर से ही लाइव देखो शेयर करियो कैथल ब्रेकिंग टीवी ने कैथल ब्रेकिंग टीवी पर आपको पल पल की जानकारी दी जाएगी। आरकेएसटी आने की कोई जरूरत नहीं आपने और मैं कहूंगा आईजी कॉलेज में भी आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लाइव देख सको आप। अच्छा एक बहुत बड़ी जानकारी भी दे दिया अपना पहले राउंड का परिणाम क्लियर होने के बाद ही दूसरे राउंड की मशीन टेबल पर लाई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह इस टाइम लाइव तस्वीर के खिलाफ फिलहाल कैथल ब्रेकिंग टीवी का मतलब आरकेएसटी कॉलेज का बिल्कुल सामने दिखाने लग रहा। बिल्कुल सुरक्षा की बात करो तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल आप देख सको सारे पुलिस सिस्टम ना आगे। अच्छा सुरेंद्र जी बात करा दो प्रत्येक राउंड का परिणाम एआरओ ही कोशिश करेगा जाते हैं बड़ी खबर आपने फिलहाल कैथल ब्रेकिंग टीवी का मतलब दिखाने लग रहा। अलग अलग वीडियो शेयर करते रहो कमेंट करते रहो आपकी क्या राय है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए भाई। यहां तक कैथल था भाई कैथल के आरकेएसडी कॉलेज से भी भाई और आईजी से भी पल पल की रिपोर्ट आपको दी जाएगी क्योंकि कैथल ब्रेकिंग टीवी सबसे फास्ट और सबसे तेज भाई आपको पल पल की खबर देगा। पुख्ता इंतजाम की बात करा तो डीसी सिस्टम में मौका पर मौजूद है आरकेएसडी कॉलेज के बिल्कुल बाहर तय है आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है भाई। आरकेएसडी में भी भाई एक स्कूल में मतगणना होगी और एक भाई कॉलेज में और यदि बात करा तो आईजी के आईजी कॉलेज में भी मतगणना देखने में मिलेगी। आपने आने की कोई जरूरत नहीं आपने गर्मी बहुत ज्यादा है कैथल ब्रेकिंग टीवी तो आप भाई फॉलो कर लियो लाइक कर लियो शेयर करियो जरूर ज्यादा से ज्यादा खबर ना भाई पल पल की जानकारी आपको कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आप कैथल विधानसभा क्षेत्र की बात मतगणना की बात करें तो आरकेएसडी स्कूल में होगी। किलियात विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की बात करें तो आरकेएसडी कॉलेज में होगी जिसका श्यामी स्टेम आप खड़े हैं। और पुंडरी गोला विधानसभा क्षेत्र की मता की बात करें तो वो आईजी कॉलेज में होगी। और फिलहाल तय 15-15 राउंड में गोला और किलियात विधानसभा की मतगणना होगी। कैथल विधानसभा मतों की गणना की बात करें तो 16 राउंड में तथा पुंडरी विधानसभा की मत गणना की बात करें तो 14 राउंड में पूरी होगी। फिलहाल तभी अलग अलग शेयर करते रहो कैथल ब्रेकिंग टीवी लाइव देखने लग रहे हो और अलग अलग कमेंट करते रहो। बलिंदर जी एक बार एक सूचना और दे दीजिए कुल यदि वोटरों की बात करें तो कुल वोटर कितने थे और यदि बात करें इसमें
तो कैथल में कितने परसेंट मतगणना, कितने परसेंट वोटिंग हुई थी? अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो कुल वोट संख्या 17,94,300 है और वोटिंग होने की बात करें तो 12,02,401 वोट पोल हुई थी, जिस हिसाब से आपने चुनाव आयोग के ऊपर आंकड़े दिए गए उस आंकड़े का विस्तार था इस टाइम कैथल ब्रेकिंग टीवी पर अपने लाइव तस्वीरें दिखाने लग रहे हैं। तो भाई जरूर ज्यादा जरूर लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो। यदि प्रशासन की बात करा तो पुख्ता इंतजाम यहाँ पे कर लिए गए हैं। और यदि बात करांगे भाई, अगर कैथल में कुल 807 मतदान केंद्र बनाए गए थे जिसमें 8,19,284 कुल वोटर थे, 18,922 नया युवा जिन्हें पहली बार वोटिंग करी थी उनकी भी मतगणना कला आर के एस डी कॉलेज का बिल्कुल सामने गेट के दिखाने लग रहा। तो खबर में ज्यादा शेयर जरूर कर लियो भाई। कल की सबसे बड़ी अपडेट यदि देखने है तो कैथल ब्रेकिंग टीवी पे ही मिलेगी। और कैथल ब्रेकिंग टीवी में लाइक कर लियो, शेयर कर लियो। कैथल ब्रेकिंग टीवी पर अपना पल पल की जानकारी दी जाएगी चुनाव तय लेकर के। और ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की ही अपना जानकारी दी जाएगी, फिलहाल तो कैथल ब्रेकिंग टीवी पर अपने पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का परिणाम अपने अलग अलग लाइव तस्वीर कैथल ब्रेकिंग टीवी पर दिखाई जाएगी। इस टाइम फिलहाल तो लाइव तस्वीर आप कैथल के आर के एस टी कॉलेज का गेट का सामने दिखाने लग रहा, जहां पर इस टाइम प्रशासन की अगर बात करें तो डीसी एसपी स्टेम मौजूद है, स्टेम लाइव तस्वीर फिलहाल दिखाने लग रहा है। अलग अलग वीडियो ने शेयर कर दे रहे हो। और कल ना 4 जून ने जो मतगणना और जान ले उसकी लाइव फुटेज देखने का कैथल ब्रेकिंग टीवी ने फॉलो जरूर कर लियो। कितने बजे? 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। 8 बजे स्टार्ट होगा जी, कल मतगणना की बात करें तो 8 बजे स्टार्ट होगी। 8 बजे मतगणना स्टार्ट हो जाएगी और 8 बजे भाई कैथल ब्रेकिंग टीवी जरूर लाइक कर लियो। 8 बजे थर्ड स्टार्टिंग। हमने और चैनल खोलने की लोड़ नहीं है, कैथल ब्रेकिंग टीवी पर ताना सारा कैथल ब्रेकिंग टीवी पर हरियाणा की 10 लोकसभा चुनाव का पूरा एक एक पल की खबर देते रहेंगे, लाइव तस्वीरें दिखावांगे। अलग अलग जुड़े रहियो और शेयर कर दियो इस वीडियो ने भी, अलग अलग शेयर कर दियो ताकि 4 जून यानी कल ने वो दिन आने लग रहा जिसका बहुत दिन था इंतजार था। गामा में सारा में दुकाना पे बिजनेस पे बैठा या ठाली हो काम पाओ तो एक बात साल लग रही कौन क्या होगा, तो कल ना वो दिन सुरेंद्र जी आने लग गया। चार तारीख है और मतगणना की स्टार्टिंग कल सवेरे 8 बजे हो जाएगी। फिलहाल तो जैसे शांतिपूर्वक मतदान हुआ था वैसे ही शांतिपूर्ण मतगणना भी आर के एस डी कॉलेज का बिल्कुल सामने एक बार कहूंगा, कैमरा मैन ने दिखाया दे भाई एक बार। फिलहाल तो पल पल की जानकारी और मैं कहूंगा भाई टिक 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 होने स्टार्ट हो चुके हैं जो मतदाता है और जो भाई कैंडिडेट है उनके दिला में भी, क्योंकि कल को क्या परिणाम आने वाले हैं, कैसे परिणाम आने वाले हैं, हर भाई चौंकाने वाले परिणाम हुए हैं, किस तरह होंगे वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। मैं तो ये कह सकता हूं लेकिन जानकारी भाई आप तक पुख्ता दी जाएगी। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान,